आगरा विकास मंच चिकित्सा क्षेत्र में नए नए आयाम लिख रही है। इस कड़ी में दीपावली के बाद हड्डी रोगों के लिए निशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विभांशु जैन कैंप में आए मरीजों का चेकअप करेंगे। आगरा विकास मंच लगातार सामाजिक क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम करता चला जा रहा है। कभी हार्ट के कैंप, कभी नीरो के कैंप, न जाने कितने सारे कैंप लगाए। इस बार नई इसमें कैंप में जो है डॉक्टर को ज्वाइन किया गया, ऑर्थोपेडिक कैंप लगाया जाएगा आगरा विकास मंच द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर विभांशु हैं, उनसे बात करेंगे। ये किस तरह सर कैंप रहेगा और क्या इसमें किन किन लोगों को देखा जाएगा? ये कैंप जो है ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी के हिसाब से होगा। इसमें जो है वो सभी जोड़ रोग, पुराने फ्रैक्चर्स, टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों के या बगैर जुड़ी हड्डियाँ, इस तरीके के जो भी मरीज होते हैं उन सब के जाँचें होंगी तथा उनका सबका परीक्षण किया जाएगा। जी, अगर बात की जाए, क्योंकि हड्डियों की बीमारियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे कैल्शियम की कमी हो, चाहे विटामिन डी की कमी हो, चाहे लोगों में घुटने के दर्द हो, ये लगातार जो समस्या है युवा से लेकर मतलब बच्चों तक ये बीमारियाँ आ रही हैं। जो आजकल बीमारियाँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि जोड़ से रिलेटेड बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों के घुटने एवं कूल्हों में, कंधों में, सभी जोड़ों में दर्द रहने की तथा जोड़े जाम होने की शिकायतें बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। इसका जो उसकी वजह जो है, आजकल का हमारा खान पान, किस तरीके से हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, समय से खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तथा आजकल पहले जैसी हमारा मोबिलिटी, यानी कि जो एक्टिविटीज़ लेवल है वो पहले जैसा नहीं रह गया है, कम हो गया है। इस वजह से जो है ये बीमारियाँ आजकल ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। अगर हम बात करें तो इसका मतलब इलाज क्या, मतलब एलोपैथी में है? क्योंकि हम आजकल इतने विज्ञापन देख रहे हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी का, भी ये तेल लगाइए, ये गोलियाँ खाइए, क्या ये आप जो एलोपैथी के इसमें क्या इस तरह के इलाज है नहीं क्या? जी, एलोपैथी में इलाज हैं, पर जो यंग जनरेशन में, जैसे कि कम उम्र के लोगों में जोड़ से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, उनका बेहतर इलाज एक्टिविटी तथा एक्सरसाइजेस है। अगर हम समय से अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके चलें या एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन करके चलें तो हमारे जोड़ और से रिलेटेड बीमारियां वो यंग लोगों में कम की जा सकती हैं। डॉक्टर विभांशु ने बिल्कुल सही कहा, अगर लगातार हर चीज़ का संयम बरता जाए, एक्सरसाइज की जाए, तो ये बीमारियां कहीं ना कहीं कम की जा सकती हैं। और साथ ही जो चिकित्सीय परामर्श बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे चिकित्सक को, योग चिकित्सक को दिखाएं, तो ये सब बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं। कैमरामैन राजीव के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।